सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जॉब वैकेंसी की अपडेट यहां पे लेकर के आ चुका हूं। तो गाइज आप जो है वीडियो को एंड तक देखना, बट हां अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वालिफिकेशन को नहीं डाला है तो डेफिनेटली आप वहां पे डाल सकते हो, ठीक है। और गाइज आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन नहीं किया भाई, जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो गाइज आज की जो जॉब वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है दिल्ली मेट्रो की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा दिल्ली मेट्रो में जो है कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकली हैं। तो आप यहाँ पे पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहना, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, आउट कर दिया गया है। एंड अगर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th 12th डिप्लोमा या फिर ITI वगैरह या फिर अदर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एंड बात करेंगे मैं सैलरी की यहाँ पे, तो सैलरी भी यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे काफी अच्छी सैलरी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 23,500 रुपये से आपके पर मंथ यहाँ पे सैलरी स्टार्टिंग में रहने वाली है। अगर आप भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है दिल्ली मेट्रो में ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सैलरी आपको बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो दोस्तों कैसे आपको आवेदन करना है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारा प्रक्रिया मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करके रखना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए इसके वैसे डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है जॉब रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई नाउ, यहाँ पे पोस्ट भी देखते रखी यहाँ पे, ठीक है, कितनी पोस्ट यहाँ पे निकल कर आ चुकी हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे सारी जो है प्रोसेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, सारा प्रोसेस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आप जो बेसिक डिटेल्स है यानी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन में आप देख पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आप आराम से पढ़ पाओगे। एंड यहाँ पे देख सकते हो दिल्ली मेट्रो का यहाँ पे लोगो भी देखने को मिल जाएगा। एंड टोटल पोस्ट यहाँ पे ऑफ वेरियस ऑफ पोस्ट की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है, वेरियस ऑफ पोस्ट है यहाँ पे। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th 12th ITI डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, और आज ही आप आवेदन कर दें, क्योंकि आपके लिए कैसे आवेदन करना है वो भी मैं आपको आगे यहाँ पे बताने वाला हूँ। एंड यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे दिल्ली मेट्रो रेल जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन डिटेल्स 2022। अगर इस यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की तरफ से, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्लर्क है, स्टेनोग्राफर की है, ठीक है, लैब टेक्नीशियन की है, मेडिकल ऑफिसर की है, एंड बहुत सारी पोस्ट जो है यहाँ पे निकल कर आ चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट करी गई हैं। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अप्लाई मोड जो रहेगा आपका कैसे रहेगा, तो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे आप ऑनलाइन के वेस्ट पर रहेगा, देख सकते हो यहाँ पे थ्रू ऑनलाइन के वेस्ट पर यहाँ पे आपका और जो अप्लाई मोड है वो यहाँ पे रहने वाला है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल पोस्ट की अगर बात करूँ तो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो एज लिमिट रखी गई है यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि मिनिमम आपकी एज 24 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है, और 24 ईयर से होनी चाहिए, और मैक्सिमम आपकी आयु जो है 52 ईयर तक होनी चाहिए, ठीक है। और भी अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सारे प्रोसेस जो है देख पाओगे। जॉब लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपका रहने वाला है। और कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई, तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई करने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट कैन एलिजिबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इन दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो है महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट ऑनलाइन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रेशर और एक्सपीरियंसेस कैंडिडेट दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ड ऑन इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स चेक वगैरह, ठीक है, ये इस बेस्ड पर आपका सिलेक्शन बेस्ड यहाँ पे रहने वाला है। कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो देख सकते हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 10th हो 12th हो, ITI हो, डिप्लोमा हो, ग्रेजुएशन हो, चाहे BE कर रखा हो, BTech कर रखा हो, ठीक है, ये आपके पास क्वालिफिकेशन अगर है तो अपनी जो पोस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आप देख करके उन्हें अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस का प्रोसेस की बात करूं तो यहाँ पे जनरल OBC कैंडिडेट के लिए NA फीस यानी कोई फीस नहीं रखी गई है, SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस शुल्क नहीं देना होगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से एप्लीकेशन जो डेट रखी गई है वो यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे, जो कि एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 2 अक्टूबर को स्टार्ट हो चुके हैं।
लास्ट डेट इसके अप्लाई करने की देख सकते हो 28 अक्टूबर रखी गई है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना होगा, कैसे आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कैसे आपको क्या करना होगा, सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को हम जो अप्लाई का प्रोसेस है उसमें आपको बता देते हैं। सो गाइस ऑनलाइन करने के लिए आपको देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले अपने मोबाइल में कोई भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, जैसे कि क्रोम वगैरह और भी सारे ब्राउजर्स हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गूगल पर आना है और गूगल पर आने के बाद यहाँ पे देखिएगा आपको सर्च बार का ऑप्शन, ठीक है। आपको इस सर्च बार के ऑप्शन पर यहाँ पे आपको टाइप करना है ऑनलाइन जॉब तक, जैसे कि यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे ऑनलाइन जॉब तक मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टैब पर यहाँ पे देखने को हमें मिल गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन जॉब तक www.onlinejobtak.online, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एंड जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको फॉलोअर का ऑप्शन, अगर आपने भाई फॉलो नहीं कर रखा तो यहाँ पे सिर्फ 1 सेकंड लगेगा आपको क्लिक करने में, देन ऑटोमेटिकली फॉलो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉलो करने का मकसद सिर्फ एक ही है, अगर आपने फॉलो कर रखा होगा ऑलरेडी तो जब भी यहाँ पे आर्टिकल डाला जाएगा आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे कि देख ही पा रहे होंगे दिल्ली मेट्रो रेल जॉब रिक्रूटमेंट 2022, आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको सिंपली इस तरह से क्लिक कर देना है। देन क्लिक करने के बाद आप कुछ आपके सामने बेसिक डिटेल्स जो है ओपन हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे। तो बेसिक डिटेल्स को आपको सारी की सारी बेसिक डिटेल्स को रीड कर लेना है, एंड रीड करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक है, ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, और ये सारे आपको लिंक्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मान लीजिए आपको अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले पे क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। सो गाइस जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पाओगे, ठीक है। इस तरह से आपका नोटिफिकेशन जो है वो आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपके पे स्केल, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है। एंड जैसे ही आप अप्लाई वाले पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। करियर के ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे वैकेंसीज पर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती हैं इस तरह से, ठीक है। तो जो जो पोस्ट मैंने आपको बताई थी वो यहाँ पे आपको सारी की पोस्ट आपने देख लेनी है, ठीक है, अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और तभी जो है आपको जो है अप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप आपको इस तरह से जो है समझ आ गई होगी सारी। तो इसी तरह से आपको अप्लाई करना है, कोई भी अगर किसी का डाउट हो, किसी तरह का सवाल पूछना हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई दे दूंगा।